एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा वेतन की मांग को लेकर हड़ताल की गई। एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन द्वारा वेतन में हुई कटौती कर कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया था। उनका टेक्नीशियन रद्द किया जाए, इसके साथ ही विविध मांगों को लेकर एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई है। एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन द्वारा विविध मांगों को लेकर आंदोलन किया गया है। इन कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है कि कोविड के दौरान वेतन में कटौती की गई है, वो कटौती रोकी जाए। साथ ही कर्मचारी विविध मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, जिनमें से कुछ कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है। उन कर्मचारियों का टर्मिनेशन रद्द किया जाए। इकोनॉमी में कोविड के समय से हम लोगों की सैलरी कट हो रही है। हम लोगों ने जब ये डिमांड किया कि अब ये सैलरी कट कम होना, मतलब बंद होना चाहिए कटना, तो और सैलरी कट कर लिया गया और आज के डेट में 25,000 से हमें 21,000 सैलरी आ रही है। और सर, हम लोगों को पिछले 2-2.5 साल से कोई सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग इक्वल वर्क इक्वल वेसिस के आधार पर हम लोग सैलरी का डिमांड कर रहे हैं। हम लोग सरकारी कंपनी के कर्मचारी हैं, लेकिन हमें महंगाई भत्ता यानी डेयरलेंस अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे सैलरी में डीए दिया जाए। और हमें जो है, अभी हम लोगों की जो स्ट्राइक है वो 15 तारीख से चल रही थी, तो हमें कुछ लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। तो हम लोगों को वो टर्मिनेशन सभी लोगों को ऑल ओवर इंडिया से वापस लिया जाए, यही हमारा डिमांड है। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रशांत है और हम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के पोस्ट पर कार्यरत है। एयर इंडिया के ये कर्मचारी विविध मांगों को लेकर आंदोलन बीते 15 मार्च से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन कर्मचारियों की मांगे कब तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।